पांच साल ही घोड़ी है मैं क्या बात हूं हाँ जी इसे अलग है बड़ा शेर है ना इत्थे कोई हूं ताजा कोई माल मारन होया या कोई आई दिन तक सब तो ज्यादा को मुश्किल तक की आवे कोई शेर आई गया कोई रिच अस्सलाम वालेकुम जी उम्मीद करना सो सारे वालो सो मैं इरफान जफर तुसा तक रहे हो कश्मीर टीवी जनाबे वाला एक नवे दिन का आगाज नवी मंजिल नी तरफ सारा सफर आज शुरू हो गया तकरीबन असा नागा पीर 10 दिहाड़े रहे हैं जिन्हें चु दो दिहाड़े या एक दिहाड़ा मैं घर भी रहा वहाँ ते फिर अज इतों अगे माशाला साड़ी नवी मंजिल ना सफर शुरू हो गया अज तक कि कुत्थे तक सारा सफर होना वै हूँ असान सफर जरा वै इस साइड पर सीधा मुजफ्फराबाद वाली साइड अस जाई रहे हैं ते ये जड़िया महालियां तकन लगे उस बैकग्राउंड ने बच्चे सारिया असा इंशाला क्रॉस कर रही ते तको कि हूँ अगे की है जी खूबसूरती है और किस तरह का माहौल है आओ जनाब तो अज की वीडियो शुरू करने हैं माशाला जी जिस तरह के सफर जो शुरू किया तो माली ने अपर असा चढ़िया नागा पीर तकने उस बहुत सारे दोस्त जड़े ने स्पेशली समझो कि एक किस्म ने मिकी लौड़ने सन मिलने ताए तो क्या हाल है जनाब ठीक हो तुसन सेहत कैसी है अल्हम्दुलिल्लाह जी आसों तुसने बहुत अच्छे जनाब अल्लाह फॉलोअर हैं माशाल्लाह और तुसों की बहुत चाहने हैं चूंकि तुसों सने एरिया की बहुत प्रमोट कर रहे हो ठीक है ते अस नागे उपर आए अस के नागे नी सैर भी कर रहे हो जी ते नाल अस ये भी कर रहे हो कि कोशिश कर रहे हो कि कोई सड़क शड़क ना होवे ताकि टूरिज्म जरा प्रमोट होवे ते तुसों तो असों लोगों की जिंदगी भी थोड़ा चेंज अच्छा है और असों रोजगार ही मुयसर कर रहा लोगों की बिल्कुल मैं समझना वा कि जितनी खूबसूरत जगह अगर इतने रोड आई जाए तो क्या समझने हो कि बहुत सारा बेनिफिट हो सकना बहुत ज्यादा असों ने जो बेरोजगार लोग पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने रोजगार मिल सी और इंशाला असों ने यह सकाफत जी है वह भी प्रमोट हो सी ना भला ये अस चाहने के रोड भी होवे और दिगर सहूलत भी हो और गवर्नमेंट अगर असों का मुतालबा है कि इस खूबसूरत एरिए की तवज्जो दीन और रोड जैसी जड़ी नियमत सी वो रोड तो बगैर यानी कोई एरिया जड़ा प्रमोट नहीं हो सकना और इस एरिए की रोड दी जुलै माशाल्लाह जी इन्हां मारे दिलां नी गल कीती है पूरे कश्मीर च खूबसूरती नहीं कोई घाटा नहीं लेकिन कमी है तो गवर्नमेंट तवज्जो नहीं भी देने लगी रोडा नहीं कमी है अगर रोडा आवन तो कश्मीर ने क्या समझने हो कि रोजगार भी बहुत बढ़ी सकना और टूरिज्म भी बहुत इंक्रीज हो बिल्कुल बिल्कुल है सही है माशाल्लाह यार बड़ी दिला की खुशी हुई है तो तुसें जनाब मिली क्या की अजा लगा जरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दियो सर असों तुसों देखी तो यह लगा कि तुसों असों बिचे ने है कोई बंदे आ और जड़िया चीजा ना हजार असों ने गई सकने तुसों साड़िया जी यानी वैर किता लगे आ और अपने असों ने एरिए बल्कि अपने एरिए की प्रमोट किता लगे आ माशाल्लाह जी बड़ी खुशी हुई है तो चलो सारा सफर जारी है इन्हों दोस्तों नाल भी एक वीडियो बनी गई है जी सा एक यादगार रही और तुसा सारे भी तकसो तो मैं रिक्वेस्ट करना वा कि इतने रोड ने हवाले नाल गवर्नमेंट की करना चाहिए वै माशाल्लाह जी पहाड़ा नी चोटी नी अपर तक मैदान गली कितना बड़ा मैदान है माशाल्लाह तको अल्लाह नी कुदरत इस जगह पर कोई रोड नहीं अचनी बस जंगलों विचों सफर करके अचना पैना लेकिन अगर रोडा आवन तो इत्थे क्या समझने कि कितना ज्यादा टूरिस्ट आई सकना वै और कितना माशाल्लाह कश्मीरी खूबसूरती होर मजीद एक्सप्लोर हो सकनी है
तको हाँ ये मैदान गली कितना बड़ा मैदान है, पहाड़ा नहीं चोटी नहीं अपर, और कितना खूबसूरत मैदान है जिस ना तो ड्रोन मंजर भी तकने है उसो, और माशाल्लाह इतने कितना पुरसकून माहौल है। असा इतू गुजरी रहे सा तो असा सोचा कि थोड़ी देर इतना सह इन्ने नाले इस खूबसूरती की नाले अपने व्यूवर्स की भी दसने आ, तो यकीनन तुसें ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद आई उसी। हूँ क्या क्या नागा पीर बहुत सारा पिछे रह गया वै, हूँ सारा सफर है गया गढ़ी दुबट्टा तो मुजफ्फराबाद वाली साइड। माशाल्लाह जी तको ये लेटेस्ट स्नोफॉल है सामने तकने उसो, इन पहाड़ा ने अपर सारी हुई है चंद दिन ने अंदर असा स्नोफॉल ने अंदर जनाब वाला उसा बर्फे ने अपने टुरने, लेकिन इस खूबसूरती की तकी क्या व्यूवर्स इसलिए में यकीन है कि पुरसकून होने उसन और बहुत ही अच्छा पे फील करन लगे उसो। असा ना सफर हाले जारी है, इस माली ने अपने अपने असा जासा इंशाल्लाह, बड़ा सफर पिछू असा जरा ना कट्टी का आए, लेकिन जिधर भी कैमरे की टर्न करा ना उधर ही एक अल्लाह ताला ने कुदरत भी नज़र अछनी है, वह वाकया अल्लाह ताला कश्मीर की ना जन्नत नज़ीर बनाया वे। अच्छा ये दसो गुल भाई भाई असा ना जड़ा ये गुजरन लगे हैं, ये क्या एरिए ना नाम है? ये नूर बंगला जी। नूर बंगला तो अगे असा के रूट इस्तेमाल करना वे? अगे आई रात ऐसे ही गुजार सन, कल असा अगे मोची गली क्रॉस करके अगे कुमी कोट जुलसन। अच्छा कुमी कोट असा कुमी कोट के करनी है उस तो से टरसा गड़ी। अच्छा गड़ी दुपट्टा मुड़ी अगे सीधे मुजफ्फराबाद रोड मेन रोड मुजफ्फराबाद रातो रात कट सा अगर तक जी। मुजफ्फराबाद भी असि रातो रात कटना पेसी कैब तो इस ब्लॉग च कहने कितने दिहाड़े आने अंदर असा मुजफ्फराबाद की बस अज नी रात छोड़ के ते दो रात और लग दो रात ये रात असन मुजफ्फराबाद तो चढ़ के अगा असि पाकिस्तान दे एरिया में चढ़ जुलसन पार। ठीक 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 जनाब वाला जिस तरह के भाई गुल दस्या वे भाई असा ने जहाँ रूट तुस सारा सुनी किंदा उसी इंशाल्लाह जल्द दो रातां ने अंदर अंदर मुजफ्फराबाद अंदर उस मुजफ्फराबाद की क्रॉस कर सा रातो रात तो भी इंशाल्लाह तुसा तकना मंजर। माशाल्लाह जी जिस तरह के सारा सफर जड़ा वे ये जारी है, चाचा और भी मिली गए इन्हों ने डेरा पिछे तकने उसो, बड़ा सोहना माहौल इन्हें बनाया। तो क्या हाल है चाचा जी? ठीक हो? ठीक है ठीक ठीक। तो तुसा को मैं ये पूछना चाहना भाई ये दसो भाई कितना टाइम होया तुसा कि ये काम करने में पढ़ना छड़ना बकरी? बहुत अच्छा, को त्रै चार पीढ़ियां गुजर गई। अच्छा त्रै चार पीढ़ियां गुजर गई। हां चार पीढ़ियां। तो मकामी पिछू तुसा ने कुथु पीढ़ी चली है? मतलब पीढ़ी असा दी उधर भला कोड का गांव उस पासो चली है। उस पासो चली है दादा परदादा उस पासो आए तक। तो हर सालो साल कुथु केड़ी जगह तक सफर करने हो? मतलब लिपाबादी दोनों चले। तो आए दिन तक सब तो ज्यादा को मुश्किल तकी आवे कोई शेर आई गया कोई रिच आई गया इस तरह ना तकी कोई चीज ना? ना तकी तो नहीं ना खड़ना रहा है। खड़ना रहा चाहिए? हाँ, हाँ, चाहिए खड़ना रहा। तो अगर राती आई जाए तो फिर किस तरह बचाने हो तुसा? बस हम गट्टे पट्टे कुत्ता शुत्ते दौड़ने कुत्ते तुसाने इस काबिल है ना मुकाबला करन? ना करने करने बस लागे देने नहीं। बकरी खसी थी बकरी लमी पेई दी मैं मारिया उस जाकर कुआड़ी दा कुटिया अगा बब गया लगा कुआड़ी अगे तो सीधी नसी गई वो नसी गया। रिच 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 यानी कि बकरी मारी तुसा उसकी मारिया? मैं उसकी मारिया नठा था बकरी जिंदी असी छड़ा चौड़ा ही पाने सा। अच्छा छिड़काई की दी असी छिड़काई की दी रिच पिया नहीं तुसा ही? ना अगा चल उठिया सही अगे तू दूजा कुआड़ी लगी अगे तो बू साड़े बुद्ध नसी गया। तो है कि रिच होना है वो एक पीला जहा होना एक कला होना गूरा सा। अच्छा मुंह रत्ता तो क्या समझो ये जिस जगह डेरा लाए इतना शेर है? शेर है शेर है शेर पक्के रहा शेर पक्के। चलो जी माशाल्लाह सारा सफर जारी है तो चाचे और इंटरव्यू सुनिया है तो सारे तकने लिए सलाम दुआ चाहिए बड़े बड़े दूरों पे इसलिए दुनिया से तकन लगी है। माशाल्लाह जी बड़ा मजा आया चाचे और चाह शाह भी पीती है बड़ी खिदमत की ने तो चलो असा अपना सफर जारी रखने। ठीक ठीक है फिर चाचा अल्लाह। माशाल्लाह जी चार घंटे लगातार सफर करी के इस माली ने अपरे अपरे नूर बंगला इस जगह ना ना पिछा चकार फिर थले अगे असा जिधर रहना कूमी कोट गढ़ी दुबट्टा, लेकिन तको माशाल्लाह के इसलै शाम ना तकरीबन मंजर है पंज हो गए बहुत ही खूबसूरत और पुरसकून जगह जिथे असा अपना डेरा लासा
फुल नेचर, दूर दूर तक कोई शोर शराबा नहीं, तो माशाल्लाह तको आई नहीं रात असा इत्थे कट सा जनाब, तो फिर इत्थू अग्गे ने सफर कर सक सवेले। शाम ना खूबसूरत मंजर और साड़ी चाह भी तकने और सोटी ही गई है, खाना तो लेट पकसी लेकिन पहले चाह ने मंजर तको हाँ सोने अंदाज ही तू आए सिला आंडी ने थलू लिकड़ी रहा वै पड्डा ने दुधा नहीं चाह पकसी। माशाल्लाह जी शाम ना खूबसूरत मंजर है, तो इसलिए तकने उसो बकरे दियाँ सीखा जनाब वाला असा लाई क्या तो पकाइया तो कुछ वो खाई रहा, तो अच स्पैशल जनाब बगलू साहब दावत आख्या पक्षी इतें बकरे ने गोश्त पक्षी जनाब साड़ा अपने बकरा माशाल्लाह। ये इतनी ज्यादा सर्दी है ना कि अच सीखा इतना मजा पियाँ देन लगियां और जो गोश्त मजा देसी उसने क्या बात है कहने बगलू साहब बिल्कुल इसलिए कहने अगर मंगला डैम नहीं मच्छी आवे तो मंगला डैम नहीं इतना मच्छी आवे ना जनाब का मजा ही आई जाए। इसने पिछा जितने अगे पिछे पहाड़ ना उन्होंने पर बर्फा पई दूर दूर सारे पे दिस बहुत ज्यादा सर्दी है जनाबे वाला तकने सो इसलिए गोश्त साड़ा पक्की रहा वै तो मेरे नाल बगलू साहब ने भाई जान मोहम्मद साहब आ ये तो सो भाई काफी बंदिया ने मुंह में सुनिया कि इस एरिया शेर है तुसा क्या आने हो। हाँ जी इसे लगभग बड़ा शेर है ना इत्थे कोई हुन ताजा कोई माल मारन होया या जी जी असा कोलो पहले जेडे माल गए उन्होंने हर छुके बिच एक दो मारे गए जनाबे वाला इन्हें मेरे नाल जिक्र किया तो मैं इस चीज वीडियो में शामिल कर सा भाई आने भाई जेड़ा भी अज इतू गुजरिया ने साढ़े तू पहले मतलब हफ्ता या दो त्रै दिहाड़ पहले उस चु दो त्रै भारू शेर है लाजमी मारे ते और इस तू अलावा दिहाड़ी जेड़ा मारन होया जानवर उसने बारे दसो। दिहाड़ी बस बंदे वो माले आले चाह पीने से बैठे नहीं थे इतने भी देखा माल इतनी कोल काल लगे ना आया अच्छा वो मोड़ के जिस टाइम कठा किया देखा तो है कि चाही खड़ा शेर है तको जी दिहाड़ी दिहाड़ी भी शेर इतना मारना वै तो राती लाजमी इतना मारना जिस जगह अज आना अस अज और कल इसे वीडियो विच कल ना सीन तुसी दसा बहुत ज्यादा खतरा मतलब के शेर राती माले पे ही सकना है अगर अल्लाह ना करन अगर अच्छना मैं अज तो जरूर मैं उस टाइम उठी कहना तो वीडियो बना सा कहने ओला आया तो कुत्ते हां शोर करसन शोर करसन तो कुत्ते शोर करसन माल नसी फिर आसी भी जाग ठीक 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 चलो जी तको फिर आई रात बड़ी रिस्क आ लिया खतरे लिया तो अल्लाह खैर करन भाई ऐसा तो आने आ भाई ना ही अच्छा है तो या जी अच्छा है तो माल ना मारे खाली वीडियो बनवाई जाए ताकि ऐसा भी दसा भाई ऐसा जंगल शेर तक क्या माशाला जी साड़ी हांडी भी इसलिए फिर बनन लगी हुई है अज भी जनाब वाला हुआ बकरा पिया पकन लगे राती भी बकरा सवेला नाश्ते च भी बकरा बगड़ू साहब आने भाई क्या सा नाम है भाई तू कदे कदाई साड़े नाल आया है तो इस वजह तू टोटली बकरा चलसी ज्यादा सफर ने बेचना तो माशाला इसलिए अज असा डेरा इतू कौन ही पटिया तो तकने उसो चाचा और भी आए वैसे ठीक है अच्छा तो तकने उसो माशाला चाचा इतने ने रहने लेने चाचा केड़ी जगह रहने हो इतने इंपोर्ट ग्रां सरी तो सुनाओ इतना नहीं थोड़ी जी जिंदगी ने बारे दसो मैं तो मीरपुरू आया वहां भाई की है जी जिंदगी है जिंदगी सोहनी है जी जिंदगी सोहनी है तो तुसानी दिहाड़ किस तरह गुजरनी है मतलब कोई माल शाल रखे आवे या माल नाल रहने हैं बस तो सारी जिंदगी मतलब माल च ही पालने च गुजारी है या कि कोई और भी काम अच्छा रेमकोट रहने हो तो रेमकोट तू अगे कि जगह अच्छी नहीं नहीं अगे कोई अगे किधर जाना नहीं अगे केड़ी केड़ी जगह मतलब थोड़ी ऐसे दस छोड़ो ना अगे आ रेमकोट थू रंगला होया ठीकोट होया अच्छा ते बाकी इथे ना मतलब के तुसा ने जेड़ा खान पीना है ये देसी है या बाजारा च ही नहीं करते बाजारा बाजारा हुन देसी आ भूल जा हुन देसी की भूली जा भूली जा ते कोई मक्खन शक्खन ये वो क्यों शो कोण भाई चांस मजे आले करदे न बस ते कुत्ता केड़ी नस्ल ना जेड़ा फिरना पे पीछे जे पंजर पंजर ते एक साच बोलना या सात रोड़ी के नहीं एक साच ते नहीं अच्छा एक साथ है नहीं पंजर एक साथ नहीं तो सना आखड़े ना मकसद है वे ठीक है चलो सानी जिंदगी ना गुजर बसर ठीक पे आउन लगे यार
माशाला जी चाचे नाल भी थोड़ी मैं गुफ्तगू करा ताकि तुसें इस एरिए ने बारे च भी ना पता लगे। तो हूँ डाढ़ी भुख लगी हुई है, बस इंतजार ही चाह कि हांडी पक्का तो उस तो बाद जरा कना रोटियां खा दिया जा। जनाबे वाला इसलिए तकने उस होकर शदीद है अपनी बारिश जड़ी है चार चफेरियों इस इसलिए घेरी कहता बहुत ही सख्त बारिश आई है। जदू ना मैं आया जंगलों में दाखिल होया कोई ऐसा दिहाड़ा नहीं कि जिस दिहाड़ा बारिश ना लगी आवे। पिछले त्रै घंटिया तू लगातार बारिश लगी हुई है, इतनी ज्यादा सर्दी मैं अपनी जिंदगी ने बिच नहीं तकी। साढ़े मीरपुर वाली साइड भी सर्दी पैनी है लेकिन इस सर्दी को बहुत नेक्स्ट लेवल नहीं है। मैं इसलिए पहाड़ा नहीं बिल्कुल चोटी नहीं अपर हाँ, शायद इस वजह तू बहुत ज्यादा सर्दी है। सर्दियां जिते सत सत अठ अठ फुट वैसे बर्फ होनी है लेकिन इसलिए भी ना ऐसी सर्दी है कि बिल्कुल बॉडी की फ्रीज करनी है। साढ़े कुछ बंदे मतलब पड्डाने नाल है यकीन करो कि फिल्मों के बीच मैं उस तरह ना कैप्चर ही ना कर सकना कि जो मुसीबतों और तकलीफों के बीच गुजरने। चलो मारे वास्ते भी बड़ा हार्ड है सारे मोमेंट चो गुजरना लेकिन पाक रहम कर सन मैं अपनी पूरी पे कोशिश करन लगे हैं। इसलिए शाम ना मंजर है खाने पकाने ना पैसा करन लगे हुए हैं। इस तू अलावा जिस तरह के इतने काफी बंदियों को मैं पूछ ही रहा हूँ उन्होंने आख्या कि इतू कोई बकरवाल खाली नहीं गया कि शेर कोई जानवर उसने जाया ना करे जिहड़ा जो कोई पट ना चाही खड़ा है कोई बकरी ना चाही खड़ा है कोई खच्चर ना मारा है। तो इस एरिए ने भी पक्का खास करी जिस एरिए सारा डेरा इतने कोल काल शेर है नहीं पक्की खबर है कि राती वो उछना वे अगर ये जो कोई सीन होना है तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश कर सा कि राती फौरन उठ के आता था और तुसा की दसा। जी जनाब तो अज त्रै दिहाड़े हो गए लगातार बारिश लगी हुई थू बारिश है असा की एक कदम अगे नहीं पट्टन दिता ना असा जाई सकिया। अज त्रै दिहाड़े हो गए इतने अज थोड़ी जी बारिश रुकी है तो मैं क्या इतने वीडियो थोड़ी जी रिकॉर्ड करा तो अपने व्यूवर्स की एक और सरप्राइज दिया कि जनाब वाला एक बड़ी सोहनी घोड़ी पसंद की है अगले सफर वास्ते कि अगर सफर है अगर बड़ा खतरनाक और मुश्किल तरीन जी कि मैं अपने वास्ते आज जा रही हाँ इन्ने वास्ते आओ तो डेरा तो साढ़ा इतने ही है तो जुलने की घोड़ी दसने की है जी है जरा चेक करो। हाँ जनाब वाला जदू ना आया वा अदू ना सिर्फ इधर इस एरिए बाग थू अपर हो बारिशें तकन लावा तो हूँ भी लगातार बारिश लगी है लेकिन अज मजबूरी है साढ़ा इतू मूव करना। कुछ गल् ऐसा जड़िया मैं तुम अगले ब्लॉग ही दसा तुसा शॉक हो जासो कि चीज़ मैं फेस की है या सबा लेकिन इस ब्लॉग ही नहीं इसने सिर जुले हाँ तुम घोड़ी चेक कराने जी इंशाला हिंदी है वह तुसा दसना कैसी है। तो नैक्सट ब्लॉग ही बड़ी जरूरी मैं गल् तुसा कर दसा भाई इस एरिए ने हवाले नाल इंशाल्लाह। देखो जी माशाल्लाह इसलिए इस मैदान है निक्का कंडीशन है कितना खूबसूरत है वह मैदान है जड़ा मैं इस फिल्म में क्रॉस करके गया सा। माशाल्लाह देखो हाँ जनाब इसलिए बड़ी सोहनी बारिश लगी आर्थ शात हर चीज फ्रीज करन ली है वह हिसाब है जो पिछले ब्लॉग च होया गंगा चोटी लेकिन हम क्या करी सकने माड़े कोल कोई बंदोबस्त नहीं उस तरह ने खास क्या क्या थोड़ा समान मैं कैरी करी के इन्हें नाल पे टुरन लगे हाँ। बहरहाल जो भी है अलहमदुल्ला ये जर्नी जड़ी है इतनी खूबसूरत है ना कि यकीन करो कि जिंदगी सब तू बेस्ट वीडियो सब तू बेस्ट जर्नी है।
माशाला जी आ सारे घोड़े ते तक सो खचरा ते सारा कुछ चुगन लगे ते हुन इंशाल्लाह घोड़ी जल तुसाने सामने आने इना विच पौड़ी गै जनाब जड़ी मेहंदी है। माशाला जी आखिरकार जड़ी है घोड़ी लपड़ाई गई है अल्लाह ने फजलो करम ने नाल ते हुन इक नवे रंग च सफर साड़ा होया करसी। ये बकरवाला दियां खचरा सारियां तकने हो ते घोड़ी साढ़े इत्थे दोस्त होने उन्हां कोल जनाबे वाला हिंदी है। माशाला जी आखिरकार पहाड़ा ने सफर वास्ते तकने हो सो ए घोड़ी मैं नहीं कहती है तकरीबन एक लख विच पई है ते पांच साली घोड़ी है। मैं क्या बात हूँ सफर ना मजा भी अच्छी क्या कि जिस एरिया में जा ही रहा ना वो बड़े बड़े मैदान हैं पर पहाड़ा ने आज दिन तक डिस्कवर नहीं हो सके। इस वजह तो माड़ी ख्वाहिश सी कि अपनी घोड़ी होवे घोड़ा साढ़े को अगे ही है दो जोड़ी गया ना तो बड़े बड़े दूर असा इले अपने स्टेशन पर पुजसा कैंपिंग करया करसा और बड़ा कुछ इंशाल्लाह तुझे दसा और तको हाँ माशाल्लाह घोड़ी कैसी जबरदस्त है। ये पहाड़ी घोड़ी है पंजाबी घोड़ियाँ और होनियाँ इस एरिए घोड़ी है पहाड़ा आली घोड़ी तो यह सही रस्तिया नहीं वाह वाकफ यानी कि सही चलसी इंशाल्लाह और सफर बेहतरीन रहसी माशाल्लाह तको हाँ अल्लाह पाक इसी सलामत रखन ते इसी सवारी इंशाल्लाह अगले कुसा व्लॉग ने विच करी के दस सा की अल्लाह पाक जन्नत नसीब करन साढ़े दादे और की उन्हें अपनी जिंदगी विच घोड़ी सारी जिंदगी रखी रखी है घर ने दसने ते या अज मतलब काफ़ी टाइम तो बाद मैं इस खानदान चू हाँ जिस दादे और ने याद की ताज़ा किया और दोबारा घोड़ी रखी है तो हूँ तको माशाल्लाह कि अगर ना सफर किया जा उसी लेकिन अगली वीडियो बहुत जरूरी बहुत इंपोर्टेंट है जोड़ा सा वाकया पेश आया वै इत नागा पीर थी निके नून बंगला तक जोड़ा वाकया सा पेश आया वै उसने हवाले बहुत जरूरी सारे दोस्तों यार गल करनी है। इस वजह तू अगली वीडियो की मस्त सारे बंद तक है इस ब्लॉग ने एंड करने हूँ शाम पे ही की है अल्लाह सोने वाले है इनशाला मिलने अगले ब्लॉग ही तो माड़े वास्ते दुआ करे जिस कबीले मैं जा रहा इन्होंने वास्ते भी दुआ करे कि अल्लाह सारा सफर सही सलामत रख।